जी तो फाइनली हम लोग जॉस्टल पहुंच चुके हैं सुबह के 5 बजे। जॉस्टल बाय द वे ये जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही है। लोकेशन तो इनका एक नंबर होता ही है, चाहे आप जिन भी सिटी की बात कर लो, जहाँ जहाँ भी जॉस्टल है। मैंने यहाँ पे जो इनका लग्जरी रूम है वो बुक किया है। वैसे यहाँ पे डॉम्स वगैरह वो सब भी बुक कर सकते हो, लाइक जो बंक बेड सब होता है ना, लेकिन हम लोग बोले नहीं यार, इतना सारा काम वाम करना रहता है, एक रूम प्राइवेट रूम रहेगा वो अच्छा है। वैसे तो हमारा 10 बजे का चेक इन टाइम है, हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं, देखो क्या होता है क्या नहीं। बॉर्डर टूर भी होता है इनके तरफ से, 290 किलोमीटर राउंड ट्रिप है, मतलब लेकर जाएंगे लेकर आएंगे। अभी 1450 रुपए पर पर्सन लगेगा, मिनिमम 3 पर्सन ही ले जाएंगे ये। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं अपने रूम में चेक इन किया हूँ, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये डीलक्स कैटेगरी का रूम है। मेरा लग्जरी रूम बुक था, वो जो रूम है मेरा 10 बजे के बाद खाली होगा, और अभी टाइम हो रहा है 5। इतने देर में वेट नहीं कर सकता, मुझे वीडियो भी लाइव करना है, इसलिए मैं बोला कि आप एक काम करो, मुझे रूम दे दो, मैं अभी स्टे कर लेता हूँ उसी में। बाय द वे इनके पास एक कॉमन एरिया का भी ऑप्शन था, मैं इनके कॉमन एरिया में बैठूं, कॉमन वॉशरूम भी है वहाँ पे, वाईफाई वगैरह सब कुछ है, लेकिन नहीं यार थोड़ा रेस्ट करना था, इसलिए मैं बोला ठीक है जो है रूम दे दो। पहले तो इनके डोर को देख लो, एकदम राजा महाराजा वाले स्टाइल में। ये बेड है हमारा, यहाँ साइड में काउच बना हुआ है जहाँ बैठ के मैं अपना एडिटिंग करने वाला हूँ। और अगर मैं बाहर के व्यू की बात करूँ ना, तो ये देख लो भाई, व्यू कमाल का है, इसलिए मैं बोला कि चलो ठीक है यही रूम दे दो कम से कम अभी जो भी है। और वॉशरूम देख लो, वॉशरूम कुछ ऐसा है इनका। कॉमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोगों को ये रूम, दिन में और अच्छा लगेगा, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। साहब ये व्यू देख लो। हाँ जी, तो फाइनली अभी हम लोग जॉस्टल के टॉप पे आ गए हैं। हम लोग सोने जा रहे थे, लेकिन बोले नहीं थोड़ा व्यू देख लेते उसके बाद ही सोएंगे। ये सब एकदम अलग ही लग रहा है। तो आप लोगों को मैं ये वाला व्यू दिखाने के लिए ऊपर आया था, कभी कभी दिखने मिलता है ऐसा हमें। पीछे देख लो, दूर दूर तक एकदम साफ दिख रहा है। सिंपल वर्ड में बताऊं ना, अभी तक राजस्थान मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, तो देख लो अभी मैं जॉस्टल में आके अपना वीडियो रेडी कर दिया था। अभी सुबह का देख लो कितना बज रहा है, 6:40। ट्रेन में ही आधा एडिट हो गया था मेरा, अभी आके पूरा कम्प्लीट कर दिया मैं, बस अपलोड करना बाकी था। स्पीड देख लो इंटरनेट का, मतलब काफी अच्छे स्पीड में अपलोड हो रहा है वीडियो, तो ये चीज काफी अच्छा लगा। हाँ जी, तो ये सारा काम हो गया कम्प्लीट, और सुबह सुबह हमारा चाय भी आ गया। चाय कैसा पापा इधर? नींद खुल देगा। अभी देख लो धूप पूरे तरीके से आ चुका है, और ये हमारा चाय। वैसे तो प्लान था हमारा सुबह ही निकल जाने का, लेकिन 8 बजे जो लाइट कट हुआ वो अभी आया। मेरा लैपटॉप फोन कुछ भी चार्ज नहीं था, ना ही पावर बैंक चार्ज था, इसलिए रुकना ही पड़ा, क्योंकि बाहर निकल के भी क्या करेंगे अगर जब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो पता नहीं ये क्या है, काफी देर लाइट कटा रहा, 4 से 3 घंटे तक लाइट था ही नहीं। तो जैसे ही लाइट आया मैं अभी फ्रेश होकर आया, अपने लिए चाय भी ऑर्डर किया हूँ, एक सैंडविच भी बोला हूँ, देखो कितने देर में आता है। और बाबा इधर नींद हुआ आपका? नींद हराम हो गया लाइट की वजह से, यहाँ जो गर्मी है बाप रे। बिना एसी का तो पता नहीं लोग यहाँ पे रहते होंगे कि नहीं, लेकिन हाँ भाई लाइट गया था, फैन भी बंद हो गया था, इतना तप रहा था ना ये रूम। देखो चाय तो अच्छा है यहाँ का, सुबह सुबह आते ही हम लोगों ने एक चाय बोला था, वो बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वापस से चाय बोल दिया। हाँ जी, तो ये होने वाला है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, मिक्स सैंडविच मैंने बोला था, ये नजारे और ये सैंडविच। और ये दिखने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन भाई मुझे जो गर्मी लग रहा है मैं ही जानता हूँ, इसलिए मुझे ये विंडो बंद करना होगा। हाँ, व्यू काफी अच्छा रहा था इसलिए मैंने विंडो खोल के रखा था। मुझे लगता है ना इवनिंग का जो माहौल होता होगा ना यहाँ का बेस्ट होता होगा। काफी सारे वेजीज है अंदर में, चीज के साथ वो वेजिटेबल सबका क्रंच आ रहा है ना, मजा आ रहा है खाकर। अभी जस्ट हम लोग निकले हैं, सबसे पहले जाते हैं स्कूटी रेंट के लिए या फिर बाइक रेंट के लिए, देखो क्या मिलता है हमें। हाँ जी, तो ये चौक पे आ गए हम लोग, सुबह एकदम उसी जगह हम लोग वेट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, एकदम अलग ही वाइब्स आ रहा है यहाँ पे भाई। ये जो टर्निंग है ना, आप लोगों को वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत ही स्टीव है एकदम। हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने ये वाला स्कूटी रेंट कर लिया है, अभी चारों ओर अच्छे से देख लेते हैं। स्क्रैच है ये सब, पूरा स्क्रैच है, ये स्क्रैच तो काफी सारा है, यहाँ स्क्रैच है, ये ऐसा है। हाँ जी, तो फाइनली हम लोगों ने स्कूटी रेंट कर लिया है, 300 रुपए करके पड़ा है हमें। सिवा बाइक से हम लोगों ने स्कूटी लिया है, कल भी लेने का प्लान है, देखो क्या होता है। तो अभी हम लोग पहुंच गए गढ़ी सागर, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ये इतना एकदम सूखे और डेजर्ट में ऐसा एकदम लेक, क्या लग रहा है यार।
वैसे बोटिंग भी होता है लेकिन इतना धूप है ना अभी बोटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। हाँ जी तो देख लो अभी हम लोग आ गए हैं एकदम गढ़ी सागर लेक के एकदम पास में। इतने दिन से तो खुद ही खा रहे हैं, अब चलो मछलियों को भी खिलाया जाए। लो खाओ 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 खाओ, आज की पार्टी आपके भाई की तरफ से, खाओ खाओ, ये लो खाओ। इसीलिए नहीं बैठ रहे थे, पूरा भीग गया। हाथ से पकड़ सकते हैं, चलो देखते हैं पापा। सिंह ना मार दे, मेन डर है वही। नहीं तो सिंह आप तो बोले एक बार मैं पकड़ सकते हैं। हाँ जी तो अभी हमें लग गया है भूख, इसलिए भी देख रहे हैं कि लंच कहाँ पे करना है। एक तो कुछ रोमानिया जैसलमेर कुछ करके है और दूसरा ट्रायो, इन दोनों का मैंने सुना है काफी नाम है। अभी शायद वो रोमानिया जैसलमेर में जा रहा है जो हमारे फोर्ट में ही है, ट्रायो तो यहीं आसपास में ही है। देखते हैं कहाँ जाना है अभी। हाँ जी तो अभी हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट रोमानी में लंच करने के लिए और ऊपर आते आते हालत खराब हो गया। पहाड़ से भी डिफिकल्ट है, सच बोल रहे हैं, इतना पहाड़ चढ़े हैं। लेकिन ये वाला, ये हमारा फोर्ट दिख रहा है, हमारा नहीं मतलब हमारा होटल है इसमें फोर्ट में। यहाँ हम लोगों ने ये बटर नान साथ में ये लाल मांस स्टीम राइस ये ऑर्डर किया है। काफी लोगों ने मुझे इसे भी रिकमेंड किया और एक ट्रायो को भी, ट्रायो लेकिन अभी बंद था। और वैसे इन लोगों ने पूछा कि आपको स्पाइसी चाहिए या लेस स्पाइसी। यहाँ का जो नान है ना थोड़ा बहुत पराठा जैसा लग रहा है ये मटन के साथ। वैसे तो जो लाल मांस होता है वो बहुत ही स्पाइसी होता है लेकिन हम लोगों ने बोला था थोड़ा कम स्पाइसी बनाने के लिए, फिर भी अच्छा लग रहा है। अभी ये मैंने थोड़ा सा राइस ले लिया है, राइस के साथ ट्राई करता हूँ। नान के साथ तो काफी अच्छा लग रहा है लेकिन जो ओरिजिनल लाल मांस होता है वो थोड़ा स्पाइसी ही होता है। नान के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है और मटन तो है ही इनका सॉफ्ट। कैसा लगा पापा इधर? बहुत सॉफ्ट मटन है, यहाँ मटन कहीं भी खा रहा है तो बहुत अच्छा। मटन का आइटम मैंने देखा है पूरे राजस्थान में ही अच्छा मिल रहा है। हाँ जी तो खाना पीना तो हो गया है कंप्लीट, बहुत ही सही था, बहुत ही सही जैसा कि लोगों ने रिकमेंड किया था, बिल्कुल सही रिकमेंड किया था। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा, मैंने ज्यादा कुछ तो ट्राई नहीं किया यहाँ का, वही लाल मांस साथ में बटर नान राइस, तीनों का तीनों ही मैं बोलूंगा अच्छा था। और अभी ये छाछ ले लिया हूँ मैं इस गर्मी के लिए, ये बहुत सही है। टोटल हमारा 840 हुआ, पेमेंट करके निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। अभी भैया से पूछ रहे, भैया कौन सा जगह बताया आपने? कुलधारा विलेज, वो हॉन्टेड विलेज एक है, पास में ही है, पास में भी नहीं 18 किलोमीटर बता रहे हैं। हमारे पास तो स्कूटी है, चले ही जाएंगे। टाइम मिले दोबारा आना, जरूर जरूर आऊंगा भाई, इतना अच्छा खाना खाने कौन नहीं आएगा दोबारा। कहाँ जाना रहेगा अंदर? 1 किलोमीटर आगे, 6 बजे बाहर आ जाना साहब, 6:30 बजे तक। 1 किलोमीटर जाके गाड़ी खड़ी कर देना, आगे कच्चा रास्ता है, ये कहीं फंस जाएगी, पंचर हो जाएगी। अच्छा, मुझे तो लग रहा है यही वाला विलेज है। हाँ जी तो अभी कुलधारा तो पहुंच गए हैं और धूप देख रहे हो, धूप से फेस का क्या हाल हुआ है ये देख लो थोड़ा। और टाइम पता है अभी कितना हुआ है? कितना हुआ पापा इधर? अभी आपको टाइम दिखाता हूँ मैं, 17:54। अभी भी लग रहा है 2 बजे या फिर 1 बजे वाला जो धूप होता है ना वैसा है। जैसा कि मैंने सुना है इसके बारे में वीडियोस के थ्रू ही, एक टाइम ये विलेज हुआ करता था और रातों रात ही सारे लोग मतलब गायब हो गए। अगर आपको ज्यादा जानकारी हो तो कमेंट में बता देना। कोई है ही नहीं, सारा घर देख लो खाली है, टूटा पड़ा हुआ है सब कुछ। चलो ऊपर से दिखाते हैं इस गाँव को, यही वो गाँव है जो रातों रात खाली हो गया था। तो
सोचो कभी यहाँ पे लोग रहते होंगे और रातों रात खाली हो गया ये। काफी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था इसलिए मैं इधर आ गया। हाँ जी, तो अभी हम लोग वापस से होटल की तरफ जा रहे हैं। बहुत तेज धूप है, आपको बिलीव नहीं होगा अभी शाम का 6:30 बज रहा है और धूप देख लो। जी तो देख लो अभी शाम का 7 बज रहा है और अभी भी उजाला है। अभी जस्ट हम लोग अपने हॉस्टल में हैं। पापा इधर गेट लॉक करके आ रहे हैं। हाँ जी, तो देख लो हम लोगों ने ये वाला बाइक लिया है। कितना घूमना पड़ा इसके लिए, हम लोगों ने अपना रात का डिनर भी मिस कर दिया। फुल करवा लेते इसको। हाँ, फुल करवा भैया, फुल कर देना भैया। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, हो जाएगा। देखते हैं इसका टंकी कितने का है। लग गए, लग गए, लग गए, लग गए, लग गए, लग गए। फुल हो गया। हाँ जी, एकदम फुल हो गया। 1420 रुपया लगा टोटल। भैया स्कैन करने वाला ला। हाँ जी, तो अभी जस्ट हम लोग रूम आए। बाइक मैंने बुक कर लिया है कल के लिए। हॉस्टल में भी एक दिन रूम को एक्सटेंड कर लिया है। बाकी रूम का सब कुछ अच्छा है, बस वही लाइट को लेकर थोड़ा पंगा है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज इनका मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो इनका चाय है। इनका चाय मतलब यार बहुत ही सही है। अभी मैं जाऊंगा एडिट करने के लिए, इसलिए मैंने एक चाय मंगवा लिया है। होप कि आप लोग को ये जैसलमेर वाला ब्लॉग अच्छा लगा। और आज के दिन और भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शन थे इधर उधर जाने का, लेकिन इतना गर्मी में ना घुमा नहीं गया हमसे। कोई नहीं, कल पाकिस्तान बॉर्डर के साइड जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। पता नहीं बॉर्डर में जाने का परमिशन है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये वाला वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।